प्यारे बच्चों, मैं पवन सैनी। बच्चों, आज मैं छोटे बच्चों के हिसाब से मेरा इंग्लिश का पहला टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल, और उसमें मैंने कुछ अपने इम्पोर्टेंट रूल बताए हैं, और देखिए आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं। बच्चों, ये देखिए आज की जो मेरी वीडियो है कि सिंगुलर एंड प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन। तो पहला टाइप्स है मेरा, टाइप फर्स्ट में, कि जिन शब्दों के अंत में ओ आता है तो उस प्रकार के ए प्लूरल कैसे बनाएंगे, उसको भी मैंने बच्चों दो कैटेगरी में बदला है। पहली कैटेगरी क्या है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या करते हैं, यदि ओ से पहले वॉवल हो तो एस लगाते हैं, यानी ओ से पहले वॉवल हो तो, और मेरा पहला स्टेटमेंट लिख दिया कि अंत में ओ होना चाहिए। तो बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओ जो होगा आपका अंत में देखना है। वहाँ कैटेगरी फर्स्ट में क्या है, केस फर्स्ट में, कि ओ से पहले आपको वॉविल देखना है, और वॉविल आप जानते हैं कि हमारे पांच वॉविल हैं, AEIOU। मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ आपके जो वॉविल हैं वो पांच होते हैं, AEIOU। तो यहाँ देखिए, अगर ओ से पहले अगर वॉविल आता है तो मेरी ये केस फर्स्ट में है, ओ से पहले वॉविल आता है तो हम एस लगाते हैं। देखें, यहाँ ओ है, इससे पहले क्या है, वॉवल आई है, तो इसका प्लूरल बन जाएगा RADIOS, रेडियोज़। यहाँ भी देखेंगे जू है, जू से पहले वॉवल है ओ, तो यहाँ इसमें भी हम लगाएंगे एस, तो इसका बन जाएगा ZOOS। नेक्स्ट देते हैं, कुक्कू है, तो यहाँ ओ लास्ट हमारा अंत में है, और उससे पहले क्या हमारा ओ वॉवल आ रहा है, तो यहाँ भी केवल एस लगाएंगे, तो CUCKOOS। तो केस फर्स्ट मेरा कहता है कि जब आपके अंत में ओ नज़र आता है और उससे पहले वॉवल हो तो वहाँ उन में केवल आप एस का प्रयोग करेंगे प्लूरल बनाने के। केस सेकंड कहता है, यदि बच्चों के ओ आपका लास्ट में हो और अब की बार वॉवल नहीं आता हो, यानी AEIO को छोड़कर कोई भी कॉन्सोनेंट आता हो, तो वहाँ हम ES का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, यहाँ ES का। तो देख लेते हैं, पोटेटो है, तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ हमारा अंतिम जो शब्द है ओ है, उससे पहले वॉवल नहीं है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ES का। तो ES का लगा देंगे इसमें, POTATOES, पोटेटोज। उसी प्रकार दूसरा देखेंगे, मैंगो, मैंगो के लास्ट में आपका ओ है लेकिन उससे पहले वॉवल नहीं है, तो हम ES का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका MANGOES, मैंगोज़। यहाँ नेक्स्ट देखेंगे इसी कड़ी में, हीरो है, तो हीरो में भी हमारा अंतिम जो ओ है लेकिन उससे पहले हमें आर जो है कॉन्सोनेंट नट जाता है, तो यहाँ कॉन्सोनेंट होने पर हम उसकी जगह क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। तो हीरो का जैसे ही प्लूरल बनाते हैं तो हम हीरोज़, HEROES, ES इसलिए लगाया है कि यहाँ हमारा अंत में ओ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, और मैंने लिखा है केस सेकंड में कि ओ से पहले अगर वॉवल नहीं आता तो ES लगाते हैं। इसमें बच्चों आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, कि कुछ अपवाद भी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, तो अपवाद वाले में एस लगाएंगे केवल, जैसे पियानो है, तो इसका बन जाएगा PIANOS, पियानोज। कमांडो है, तो इसमें क्या बन जाएगा, COMMANDOS, कमांडोज। फोटो है, तो इसका प्लूरल बन जाएगा POTOS। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि बड़े ही मज़े तरीके से आपने कैसे सिंगुलर से प्लूरल बना लिया हो। तो आपको वीडियो मेरी कैसी लगी ज़रूर बताएंगे, कमेंट ज़रूर देंगे। धन्यवाद।